मैंने श्री राकेश बंद। क्या प्रॉब्लम है तुमको? ये पानी यहाँ से निकालना है, यहाँ से बहुत सारा कीड़े मकोड़े निकलते हैं, सांप वाप निकलते हैं, और हमारे खेलने के लिए कोई जगह नहीं। मनीषा आगा से। क्या समस्या है आपकी? ये यहाँ पे पानी बहुत सारा जमा रहता है हमारे घर के सामने, वहाँ पे मच्छर बैठते हैं, बहुत सारे मच्छर डुक्कर आते तंग करते हैं, डेंगू की बीमारियाँ है ना फैल रही है। कौन सा परिसर है ये? सुगत नगर। नगर सेवक को बताया नहीं क्या इस बारे में? बताए थे। कौन है नगर सेवक? नगर से निको से सुनीता फुलेकर। काय समस्या आहे तुमची? आमची हे समस्या आहे की इथे पाणी जमा राहते, याचा मच्छर होतात, डुक्कर होतात, याने डेंगू फैलते, याचं हे पूर्ण पाणी तिकडे पर्यंत जाते। कितीदा तरी आम्ही नगर सेवकाकडे गेलो, तो फक्त थोडस आला की बस थोडस पाणी काढलं का चालला जाते, तो दुसऱ्यांदा येऊनही नाही पाहत। दिशा सचित वानखेडे। कहा रहते हो? सर सुगत नगर। क्या समस्या आपको? सर मैं यहाँ पे तो आई अभी रहने, बट 30 साल से ये प्रॉब्लम से यहाँ पे गटर खुले रहते हैं, जूठन रहता है, डुक्कर आते हैं, तो वो जो पानी जमा होता है सर, उसका क्या प्रॉब्लम करने का? डेंगू है, मच्छर होते हैं, ये सारी समस्या है। और घर से लोग घरों के सामने डुक्कर घूमते, कचरा पड़ा रहता है, स्मेल होती है सर, वो पानी में मच्छर जमते हैं, वो हम लोगों को काटेंगे, बच्चों को। गटर लाइन चौक रहती, महीना महीना भर कोई साफ करने नहीं आता, गटर का कचरा निकल के कचरा वहीं रखते, तो इसका क्या करने का सर? ये पूरी एरिया में पूरा जमा रहता है। ये गटर लाइन की है, और ये सुअर आते ना, ये लोग जो आजू वाले सब पूरा डालते हैं, तो रोज परेशान करते हैं सुअर लोग, इसलिए फिर हम भी परेशान। आप भी बोली, वो भाई को मैं, वो बोलती है सुअर आते तो हम खा लेते, बोलते ऐसे नहीं बोलते ना। यहाँ बीमारियाँ फैल रही है क्या? फिर बीमारी फैल रही नहीं यहाँ पे? कभी चौरा क्या समस्या है? समस्या यही कि इसका पानी जो है बोरिंग में जाता है, पीने वाले पानी में जाता है, उठाकर पूरा उसका प्लास्टर टूटा हुआ। क्या मांग है? मांग वही है कि उसको रिपेयरिंग किया जाए, उसको प्लास्टर ब्लास्टर किया जाए, कि वो जो गटर का पानी है वो उसमें नहीं जाना चाहिए। समस्या है गटरी की, कारण की आम्हाला तो 30 वर्ष झाले इथे येऊन झाली, पर आम्हाला ना अजून पर्यंत ह्या गटरीचं आम्हाला काही समाधान नाही मिळालंय। किती आम्ही कंप्लेंट केला त्यांना, आणि ते आले होते मागे इथं, म्हटलं होतं त्यांना की आम्ही करू म्हणून, पण काही नाही केलं त्यांना हल कसा, तर आम्हाला तो त्रास आहे, आम्हाला तो त्रास हे करायचा। कोणती वसाहत आहे? सुगत नगर वसाहत आहे। क्या नाम है आपका? मैं सुगत नगर निवासी गजानंद दांदड़े। बोलो ना, क्या समस्या है आपकी? हमारे मोहल्ले में काफी दिनों से जो है ड्रेनेज की, पीने की पानी की, और ये जो पीछे देख रहे हैं ना तालाब, वो तालाब के कारण जो है मच्छर गंदगी पनपते जा रहे हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। हमने प्रशासन को 2-4 बार निवेदन दिया है, अर्जा दिया है, सामूहिक दिया है, व्यक्तिगत भी गए हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है सर। राकेश दुर्गाराव बंदाराम। क्या समस्या और कहाँ रहते हो आप? हाँ मैं सुगत नगर माड़ा कॉलोनी MIG 109। समस्या ये है कि यहाँ पर जो समस्या आज डेंगू चल रहा है, जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल जो चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ डेंगू का इतना प्रकोप है, पानी इतना हरा हरा हो चुका है, और यह हर साल यहाँ प्रशासन क्या कर रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है लोगों का। और कॉर्पोरेटर भी आते हैं तो उनको बताने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि ठीक है अभी ड्रेनेज उसका बनाएंगे करेंगे, और कई सालों से उनकी समस्या चल रही है हमारी, और डेंगू पूरा पानी हरा हो चुका है हर साल, लिटरली ये सब समस्या है हमारी यहाँ पर, कि कैसे लोग यहाँ रहते होंगे और कैसे नहीं करते होंगे वो भगवान मालिक है उनको। सूरज महादेव आगा से। कहाँ पे रहते हो आप? मैं क्वार्टर नंबर L21 में रहता हूँ, सुगत नगर। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मेरे घर के पास में पूरा तालाब भरा रहता है, हमेशा गंदगी है, पूरी डुक्कर भी है, बहुत परेशानी है। और हमारा जो कॉर्पोरेटर रहता है वो आके सिर्फ उसने अपनी खुद की फोटो खींचता है मेरे कि मैंने ये कर रहा हूँ कल, लेकिन एक भी कुछ नहीं करा। कौन है नगर सेवक? नगर सेवक अपना यह है ना निको से, निया राकेश निको से। मेरा नाम है दिनेश बसंतलाल यादव, मैं प्रभाग 2 से नगर सेवक हूँ। सुगत नगर एरिया, सुगत नगर और कबीर नगर के बीच का वो पट्टा है जहाँ पे रिसेंटली अभी हमारे माननीय पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी ने 35 लाख का वो सीमेंट रोड बनाया। अभी वो सीमेंट रोड ऊंचा होने से वहाँ पर वो जो प्लॉट खाली है वहाँ पर पानी जमा हुआ है गटर का। इसके पहले मैं 15 दिन पहले वहाँ पर ऑयल और एक पाउडर का छिड़काव कर चुका हूँ, परंतु अभी 2-3 दिन हुए बारिश होने से वहाँ फिर से पानी जमा हो गया है। मैं आपसे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर ड्रेन लाइन का चेम्बर ऑलरेडी डल चुका है, रोड ऊँचा होने की वजह से वो पानी जमा है, वो किसी एक आध बिल्डर की प्लॉट है, जिससे हमने महानगर पालिका कई बार तकरार की कि इसके ऊपर
फाइन लगाया जाए कि या तो वो वॉल कंपाउंड करे या वो जगह फिल करे। वहाँ पानी, मैं मानता हूँ कि वहाँ बहुत पानी जमा हुआ है, मैं लेकिन आने वाले एक दो दिनों में वहाँ का वो पानी चेंबर में फोड़ के या फिर वहाँ पे ऑयल वगैरह डलवा के 100% वहाँ पे मच्छर ना पैदा हो इसकी रोकथाम जरूर करूँगा। पहले भी दो बार मैंने तकरार किया, वहाँ की जो चेंबर की स्थिति थी अभी वो ठीक है। आप आज जो आपने देखा, जहाँ जिस जगह पे खड़े होके जनता ने आपसे बात की है, वो रोड अभी रिसेंटली बना हुआ है, ऊँचा हो गया है, परंतु वो गहरा नहीं है कि उसमें बच्चे वगैरह धोखे से जा सके। लेकिन हाँ, 1-1.5 फीट का पानी वहाँ जमा हुआ है और 100% में उसको तुरंत यानी वहाँ से गटर लाइन बोलिए या तो फिर वो चेंबर में लाइन मार के या रोड को क्रॉस करवा के वो पानी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। तकरार आई थी वहाँ की कि भैया वहाँ कीचड़ है वगैरह, परंतु हमने अभी रिसेंटली महानगर पालिका ने एक आदेश दिया है कि जो भी खाली प्लॉट है उसके ऊपर अगर वो प्लॉट धारक अगर मुरुम नहीं डालता है या उसको फेंसिंग नहीं करता है या उस पर क्या बोलते प्रॉपर तरीके से कचरा काड़ी वगैरह रहे गंदगी रहेंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। आप महानगर पालिका आशीनगर झोन में हमारी वहाँ पर तकरार है कि उनके प्लॉट धारकों के नाम निकाल के तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे साथी नगर सेवकों ने भी उसके ऊपर तकरार की है वहाँ पे। मैं 100% ये बताना चाहूँगा कि वहाँ इतना बड़ा गड्ढा नहीं है, वो 1-1.5 फीट का बहुत मैक्सिमम, क्योंकि इधर का रोड ऊंचा होने की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा और वहाँ पानी वो स्टोर है। दादा, 1.5 फुट के गड्ढे में भी दुर्घटना हो सकती है? 100% दुर्घटना हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता, परंतु वो एक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके वजह से ही वहाँ पर कॉर्पोरेशन के थ्रू या मुरुम बोलिए या फिर मट्टी बोलिए ये डाला नहीं जा सकता, परंतु हाँ उसको इंटीमेशन जरूर दी जाएंगी और मैं तुरंत ही आज या कल में उसको तुरंत आज इन्फॉर्मेशन मिली 100% कल मैं एक पत्र देके आशीनगर झोन के सहायक से उसको या तो वहाँ पे मुरुम डाले या तो मट्टी डाले या वहाँ का पानी तुरंत निकलवाए, ये 100% मैं करवा दूँ।